हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो लोग खाने के लिए बहुत शौकीन है और बनाने के लिए भी बहुत शौकीन है, उन सभी को तहे दिल से नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र शेफ। सुरेंद्र शेफ आज बनाने जा रहे हैं चिकन लॉलीपॉप। ये बहुत टेस्टी होता है यार, बहुत ही प्यारी डिश होती है। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। ये है चिकन लॉलीपॉप जो हम पहले से सेटअप करके रखते हैं और इसे फ्राई करने जा रहे हैं। इधर हम एक चाइनीज कढ़ाइया लेते हैं, उसमें एक चम्मच तेल डालते हैं और इतना सारा एक बड़ा चम्मच के आसपास लहसुन होता है बिल्कुल बारीक, और आधा चम्मच के आसपास अदरक होती है और थोड़ा सा हरा मिर्ची होती है, जिससे आपकी स्पाइसी, जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि इसकी भुनाई जितनी है उतना ही ये प्यारा लगता है, उतना ही अच्छा होता है। इतना सारा प्याज डालेंगे, कम से कम आप डालेंगे तो दो बड़ा प्याज हमारे हिसाब से पड़ जाएगा, क्योंकि छः पीस का पोर्शन होता है, तो छः पीस के पोर्शन के हिसाब से हमें इसकी तैयारी करनी होती है। वैसे हमें रेस्टोरेंट में सर्व करना है, आप घर पे खा सकते हैं। बिल्कुल फ्राई हो रहा है, बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करना है ताकि एकदम से ज़्यादा मतलब वैसा ना हो जाए। ये है पानी का स्टॉक जो हम पहले से बना के रखते हैं। आप भी आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स होते हैं आप उनका सूप भी बना सकते हैं। सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें डाल करके, पानी उबाल करके एक लीटर में, उसके बाद आधा लीटर बचे तो यूज कर सकते हैं। नमक है, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अजीना मोटो आधा चम्मच, वाइट पेपर आधा चम्मच, और ये है चीनी, चीनी एक चम्मच के आसपास आपको डालना है। ये है आपका चिली सॉस, चिली सॉस एक चम्मच के आसपास डालना है, और टमाटो सॉस दो चम्मच के आसपास डालना है। और उसके बाद हमें डालना है विनेगर, विनेगर आप एक चम्मच या आधा चम्मच के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ये है चिल्ली पेस्ट जो हम लोग लाल मिर्च को उबाल करके फिर उसके बाद उसको पीस के एक तड़का मार करके तैयार करते हैं। ये है धनिया, धनिया एक चटकी डालना है। ये है चिकन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसे हमें हल्का सा दबाना होता है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए, क्योंकि अगर अंदर तक नहीं पकेगा तो फिर गेस्ट को खाने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हल्का से इसे दबाते हैं, ठीक है। अब ये है डार्क सोया सॉस, इसमें यूज़ होता है, लाइट नहीं यूज़ होगा, इसलिए हम इसमें डार्क सोया सॉस यूज़ करेंगे। ये है डार्क सोया सॉस, जिसकी हमें कलर भी लेना होता है, तो हल्का सा हम कलर इसमें छुआते हैं, बिल्कुल जो खूब कुकिंग वाला कलर होता है वो वाला कलर इसमें छुआते हैं हल्का सा। और ये हमारा फ्राई हो चुका है, ये हल्का सा चम्मच में पहले से डब्बों से निकाल लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर डालना होता है। ये है अरारोट जो हल्का सा घोल करके इसके ऊपर डालते हैं हम, और ये हमारा चिकन लॉलीपॉप तैयार हो चुका है। क्योंकि आप देख रहे हैं इतना प्यारा कलर है तो बहुत ही टेस्टी होगा, और थोड़ा सा धनिया ऊपर से डालेंगे हम, और उसके बाद गैस को बंद करेंगे। गैस को बंद करने के बाद हमें अच्छा हमारे यहाँ पैकिंग में जाएगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसे चॉइस करते हैं, बहुत ही प्यारी रेसिपी है और बहुत लोग खाते हैं, तो ये पैकिंग में भी बहुत तगड़ा जाता है। रोज़ कम से कम 7 से 10 से 15 के आसपास चिकन लॉलीपॉप निकल जाता है। ऊपर से हल्का सा धनिया डालें।